तो फ्रेंड्स, कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे होते हैं। पता नहीं कब अच्छा हो और कभी कब बुरा हो। तो लेकिन आज मेरे लिए एक बहुत ही बुरा दिन था। बेसिकली क्रैश के बाद ड्रोन की बॉडी में उतना कुछ चोट आया नहीं, सॉरी, मतलब कोई भी डैमेज नहीं हुआ। बस इसका जो एक एसी है, नंबर वन एसी जो है, ये इसका ग्राउंड केबल और एक सिग्नल केबल कट गया है। और ये जो मेरा गिम्बल है, ये 3D गिम्बल है, इस गिम्बल से, ये गिम्बल जो है बॉडी से डिटैच हो गया था जब गिरा था। ये गिम्बल डिटैच हो गया था जिसके वजह से गिम्बल और बच गया। बस ये जो गोप्रो है, गोप्रो की लेंस में ये जो देख रहे हैं, थोड़ा कुछ गहरा चोट है ये, जिसके वजह से अभी मतलब पिक्चर में एक हल्का सा राइट साइड कॉर्नर थोड़ा ब्लोरी पिक्चर आ रहा है। इस ये भी चेंज हो जाएगा, देखते हैं कहाँ से लेंस जुगाड़ कर सकते हैं गोप्रो हीरो 4 का। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको, आप में से कोई देख रहा है, आपके पास कोई भी गोप्रो हीरो 3, 3 प्लस या 4 कोई भी डैमेज प्रोडक्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे आप ये भेज सकते हैं जिसके ये मैं कैमरा रिप्लेस कर सकता हूँ। और बाकी ड्रोन में ये देख रहे हैं, ये सारे प्रोपेलर्स, सारे के सारे प्रोपेलर हो गए हैं इसमें डैमेज। तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा फोल्डेबल प्रोपेलर के पूरे सेट हैं, मैं ये कल रिपेयर कर लूँगा, ड्रोन कल उड़ने लायक हो जाएगा। बट तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था, आज की जो क्रैश हुआ, मुझे तो लगता है सबसे जो क्रैश की वजह था वो ये बैटरी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो बैटरी था जिसके मतलब वोल्ट सही दिखा रहा था, शायद इसकी कैपेसिटी कम हो गया था, जिसके वजह से वो जो कॉप्टर को जितना थ्रस्ट रिक्वायर्ड हो रहा था वो उतना नहीं दे पा रहा था, जिसके वजह से वहाँ पे वो कुछ ही देर के लिए वो अपना मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए अपने लैंड मोड एंगेज किया था, जिसके वजह से उसके जो लैंडिंग गियर भी डिप्लॉय हुए थे। बट ये मैं ड्रोन को सेफ जगह उतारने की कोशिश किया, बट देखा कि रोड था, रोड में अगर मैं उतारता तो शायद किसी को डैमेज होता किसी को, तो इसीलिए मैं जानबूझ के वो घर की छत के ऊपर ही वो टकरा दिया, जिसके वजह से थोड़ा मतलब इम्पैक्ट कम हो अगर किसी के ऊपर गिरे तो। तो देखिए इस वीडियो को, और मैं इस वीडियो में आपको हर जगह बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रैश वीडियो। यहाँ पे करीब मेरा कॉप्टर मेरे घर से 350 या 360 मीटर के आसपास था, और यहाँ से मैंने एक यू टर्न लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी है, लेफ्ट साइड में जो आप नदी देख रहे हैं वो महानदी है, और राइट साइड में जो ग्रीन कलर के फील्ड की तरह देख रहे हैं वो एक पोखरी है, पॉन्ड, वही है। काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी मतलब कितना अच्छा लग रहा था, एक बहुत ही अच्छा इवनिंग था जहाँ पे मैं ये फ्लाई कर रहा था। और ये देख सकते हैं
मेरा गांव का नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है मेरे गांव का। एक्सीडेंट की जो सीरियल यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में, जो राइट साइड का सबसे बिलो कॉर्नर पे देखे थ्रॉटल का परसेंटेज 62, 66, 76, 100% हो गया। फिर भी यहाँ पे ड्रोन अपना अल्टीट्यूड मतलब लो हो रहा है यहाँ पे, और अचानक से ही सडनली मतलब सही हो गया। अब मेरे को यहाँ पे समझना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, बट मैं सोचा कि नहीं, ये मतलब कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे उड़ाना जारी रखा। जबकि ड्रोन जो 25 मैक्सिमम 25% पे थ्रॉटल पे अपना अल्टीट्यूड मेंटेन करता है, और यहाँ पे मैं उड़ाना जारी रखा। यहाँ पे अभी देखिएगा, बीच में सडनली भी वही अल्टीट्यूड मतलब अपना वो लो होगा यहीं पे सडन, और जो थ्रॉटल के परसेंटेज है काफ़ी बढ़ेगा। फिर भी ड्रोन ये देखिए अभी 47, 51% तक मतलब थ्रॉटल गया, फिर भी ड्रोन अपना मतलब अल्टीट्यूड लो हो रहा था, और जिसको मैं नज़रअंदाज किया। और यहाँ पे आगे जाके अभी देखिए, सडनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे फ्रेंड ये जो लॉयटर मोड है ये एंगेज होगा, बीच में अपना लैंड मोड पे एंगेज होगा। यहाँ पे देखिए अभी थ्रॉटल काफ़ी बढ़ने लगा, और यहाँ पे देखिए सडनली 100%, और सडनली देखिए बीच में लैंड मोड, और फिर से लॉयटर मोड, थ्रॉटल 100%, और लैंडिंग गियर डिप्लॉयड, और ये ड्रोन हो गया क्रैश। तो फ्रेंड्स, ये क्रैश के बाद यहाँ पे मैंने अपने जो टेलीमेट्री लॉग है कॉप्टर का, उसी में मैं उसको टेलीमेट्री लॉग को असेस करने की कोशिश की, और देखना चाहा कि क्रैश लैंडिंग का क्या वजह था। बट यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा था सारे लॉग्स को, लॉग्स पे जैसे ही मैं गया, यहाँ पे जो पर्टिकुलर आप डेट देख सकते हैं 21/08 जो कल का मतलब 21 का डेट था, 21 अगस्त का, और यहाँ पे टाइम 6:07 पे ये जो लॉग है यहाँ पे देख सकते हैं बाइनरी लॉग, और यहाँ पे और एक दूसरा है जो कि सॉरी यही दोनों ही हैं, ये जो लास्ट 21 तारीख का सबसे यही लॉग है जो ऑलरेडी यहाँ पे, इसका लॉग आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक फाइल मिसिंग है जिसके वजह से मुझे ये टेलीमेट्री लॉग शो नहीं किया। ये देख सकते हैं, लॉग ब्राउज विल नॉट फंक्शन करेक्टली विदाउट FMT मैसेज इन योर लॉग, दिस अपीयर टू बी मिसिंग फ्रॉम योर लॉग। इसी के वजह से मेरा जो है टेलीमेट्री लॉग रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ फाइल है जो PMT FMT कुछ मिसिंग है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या है, तो इसी के वजह से यहाँ पे लॉग रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बेसिकली मुझे तो पता नहीं क्या हुआ एक्चुअली, बट मुझे लगता है कि जो बैटरी ही रीज़न था शायद, शायद आई एम नॉट कन्फर्म। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं किसके वजह से हो सकता है। मुझे डाउट है मेरे रेडियो कंट्रोल के ऊपर भी, बट मैं श्योर नहीं कर सकता जब तक ये टेलीमेट्री लॉग मैं नहीं देखता, तो वो टेलीमेट्री बता पाता मुझे सही रीज़न क्या था। बट आपको जैसे कि मैं दिखाया पहले कि मतलब काफ़ी बार मेरे साथ ये हुआ है, 3 बार हुआ कि ड्रोन नीचे आ रहा था, अल्टीट्यूड अपना लो हो रहा था, और जब थ्रॉटल 100% होने के बावजूद भी ड्रोन मतलब मिसबिहेव कर रहा था, एक तरह का मैल फंक्शन कर रहा था। तो आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप ड्रोन को पहले लैंड कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम रेक्टिफाई करके दोबारा फ्लाई कीजिए। कभी भी ऐसे उड़ते हुए चीज़ के साथ कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट
मैं अपने ऊपर कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ कल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस गलती से कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।